हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। हमने जो वीडियो के माध्यम से कल आपको सूचना दी थी कि पंचायती राज्यों की जो तिथि की घोषणा की गई है उसके कारण परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं, उस संबंध में आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। इस आर्टिकल के अनुसार बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख बदलेगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नई तारीख पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिसंबर के आखिर या जनवरी में आयोजित की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है और अब सभी को पता है कि 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में मतदान होना है। अब BPSC ने इस तरह की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही आपको BPSC के वेबसाइट पर भी इस तरह की घोषणा मिल जाएगी। और आप मान के चलें कि BPSC के जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जो कि 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच में शेड्यूल्ड थे, उनके शेड्यूल में ज़रूर परिवर्तन होगा और वे परीक्षाएं अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह और जनवरी में शिफ्ट होंगी। इसका एक और प्रभाव होगा कि परीक्षाएं एक दूसरे से टकराए ना, ताकि विद्यार्थियों के हित ना प्रभावित हो, इसलिए हो सकता है कि परीक्षाओं में और विलंब हो। यानी कि जिस तारीख को बिहार में दरोगा की परीक्षा होगी उस दिन 67 BPSC प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती है। उसी तरह से CDPO की जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन कोई बहुत बड़ी दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। इन बाधाओं को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि परीक्षा कम से कम एक महीना शिफ्ट करेगी। यानी कि जो 12 दिसंबर को परीक्षा होने वाली थी 67 BPSC प्रीलिम्स, उसके जनवरी में जाने की अब पूरी संभावना हो गई है, क्योंकि सबसे पहले CDPO की परीक्षा होगी। अगर CDPO की परीक्षा टलती है तो, और इसके बाद 67 BPSC होगी। इसके साथ ही साथ अभी एग्जैक्ट जो सीट फाइनल हुआ है 67 का, उसके बारे में तो कोई सटीकता से आपको मैं सूचना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के एक भी पद नहीं हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि इस बार बिहार पुलिस सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा दोनों के पद आएंगे। तो इसलिए आप निराश ना हो। नोटिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि थोड़ी विलंब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे विभाग से अभी तक अपनी जो अध्याचन होता है सीटों के संबंध में वो आयोग को नहीं प्रेषित किया गया है। तो संभावना है कि इस महीने के आखिरी में यानी कि 31 दिसंबर तक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। धन्यवाद। और ऐसे में एक सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि जब जब प्रीलिम्स जनवरी में होगा तब तक आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें, उससे अच्छा है कि आप साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें। मुख्य परीक्षा के लिए हमारे तरफ से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की एक सीरीज भी चल रही है, जिसमें लगभग 30 बच्चे डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अपने उत्तर लेखन में सुधार हेतु इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज के ज्वाइन करने से संबंधित जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। धन्यवाद।